वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू 7.2 पार्ट 4। क्वेश्चन 7 इज दियर। इन द स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, ठीक है, एक स्क्वायर शीट है जिस पे हम लोग टू ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो कंडीशन इज दियर द ट्राइंगल आर कॉन्क्यूट एंड सेकेंड है द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्क्यूट। तो वाट कैन यू से अबाउट दियर पेरीमीटर्स। नाउ इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है द ट्राइंगल आर कॉन्क्यूट, ठीक है। ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्क्यूट होंगे, देन दियर पैरामीटर्स आर इक्वल। ट्राइंगल कॉन्क्यूट तभी होंगे जब उसके पैरामीटर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देन सेकेंड है द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्क्यूट, ठीक है। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्क्यूट देन दियर पैरामीटर्स आर नॉट इक्वल। अगर उसके पैरामीटर इक्वल नहीं होंगे तो ट्राइंगल कॉन्क्यूट नहीं होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल सच दैट दे हैव 5 पार्ट्स ऑफ कॉन्क्यूट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्क्यूट, राइट। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जहाँ पर उसके एंगल सेम हो, साइड सेम हो, बट वो जो है ट्राइंगल कॉन्क्यूट ना हो, ठीक है। कॉन्क्यूट हम लोग कम कहते हैं जब जब वो पूरी तरह से सेम हो, दे आर कॉल्ड कॉन्क्यूट। तो आपको एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि कॉन्क्यूट ना हो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्क्यूट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। सो सबसे हम लिख देंगे 4 ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। दो ट्राइंगल दिए थे, एक ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, टू बी कॉन्क्यूट वी मस्ट नीड, ठीक है। दो ट्राइंगल आपको दिया, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, टू बी कॉन्क्यूट वी मस्ट नीड, ठीक है। तो देखो हम लोग साइड में लिख देंगे बी सी, ठीक है। इसमें बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। उसमें एंगल बी आपको दिया हुआ है, एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल, बिकॉज ये दोनों कैसे है 90 है, और आपके पास एक एंगल सी है और एक एंगल आर है, ठीक है। ये दोनों भी कैसे सेम है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जा रही है भैया, एंगल साइड और एंगल, ये आपकी साइड होगी, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्क्यूज, ठीक है, कॉन्क्यूज क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एंगल साइड एंगल कॉन्क्यूज क्राइटेरिया। सो वी हैव टू राइट हियर ट्राइंगल ए बी सी, ये कैसे हो गए, कॉन्क्यूज होंगे किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्क्यूट होगा ट्राइंगल एफ ई डी के, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्क्यूट होगा किसके, ट्राइंगल एफ ई डी के, कैसे। तो देखो यहाँ पर एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के, फिर एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के। तो ये कंडीशन है कॉन्क्यूट की। दूसरी कंडीशन देखो बी सी, एक साइड आपको दिए बी सी, वो किसके इक्वल है, डी के, ये भी कॉन्क्यूट की कंडीशन को पूरा कर रही है। ये जो है आपका 90 का है, एंगल भी किसने कितने का है 90 का, तो एंगल ई भी कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। तो यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जैसे मैंने बोला है, ठीक है। सो
सो वी टू राइट हेयर कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्जुगेट होगा किसके, ट्राइंगल एफ ई डी के। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से घर पे आपकी नोटबुक में लिखना है, राइट। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।